शिवराज की छुट्टी, मध्य प्रदेश को मिला नया मुख्यमंत्री, मचा हड़कंप। बता दें मध्य प्रदेश में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 2/3 से भी अधिक बहुमत मिला है। इसके बाद भी अभी तक प्रदेश में सीएम का नाम तय नहीं हो पाया है। इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं, कई दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं। इसके लिए पार्टी के आलाकमान ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन पर्यवेक्षकों ने सोमवार को पार्टी विधायक दल की बैठक के लिए अपने 9 निर्वाचित विधायकों को निमंत्रण भेजा है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय से सभी को राम राम के ट्वीट करके राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल देश में राम राम का प्रयोग अभिवादन और विदाई दोनों ही रूपों में किया जाता है। प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बीजेपी हाईकमान चिंतन में जुटा है। प्रदेश भर में भी अटकलों का दौर जारी है। सीएम पद के दावेदार में एक नाम केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आ रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक जैन मुनि सिंधिया को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सिंधिया बनेंगे मुख्यमंत्री की खबरों से राजनीतिक माहौल गर्म है। इसी बीच शिवराज की तरफ से राम राम के ट्वीट ने अटकलों पर मुहर लगाने का काम किया है। हालांकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने खुद भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार में जो शामिल है, उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि चौहान का संदेश राम मंदिर के बारे में था। सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बात के पुख्ता संकेत नहीं है कि इस बार मध्य प्रदेश को डिप्टी सीएम कौन मिलेगा और मुख्यमंत्री